Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सरोज खान को सांस लेने में हुई दिक्कत। सरोज खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी अड्डा पर। तो जैसे कि आप लोग टैगलाइन से समझ चुके होंगे, आज का टॉपिक है सरोज खान की तबीयत के बारे में। चलिए थोड़ा और जानते हैं। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिंक वेला की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सांस लेने में परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी उम्र 71 साल है। हालांकि उनकी तबीयत में अब सुधार है और जल्द ही डिस्चार्ज हो सकती हैं। सरोज खान के पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले सरोज खान ने सांस लेने की परेशानी के बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर गए। इसके बाद सभी लोग टेंशन में आ गए हैं कि कहीं उनको कोविड-19 तो नहीं, पर अब वे बेहतर महसूस कर रही हैं। उन्हें एक या दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की भी संभावना है। 4 दशक से अधिक के करियर में सरोज खान को 2000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफी करने का श्रेय जाता है। 22 नवंबर 1948 में जन्मी सरोज खान बॉलीवुड में एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है और उसी के साथ साथ उनके काम को भी हर कोई सराहता है। सरोज खान ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं, जैसे कि सरोज खान ने तेजाब मूवी का 1, 2, 3, 4 गाना किया, फिल्म बेटा का गाना धक धक करने लगा, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना मेहंदी लगा कर रखना और जरा सा झूम लूं मैं, फिल्म देवदास का गाना मार डाला, फिल्म जब वी मेट का गाना ये इश्क हाय जैसे कई गानों पर कोरियोग्राफी की है और लोगों को भी उनकी कोरियोग्राफी काफी पसंद आती है। उन्हें 3 बार बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। सरोज खान ने कुछ फिल्मों में एज इन राइटर भी काम किया है। सरोज खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 3 साल का गैप लिया था। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने फिल्म कलंक से वापसी की। इसके साथ ही उन्होंने कंगना रनौत जी की फिल्म मर्ण कर्णिका में भी कोरियोग्राफी की। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए फिल्मी अड्डा से। थैंक यू।